यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति, यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति, जो इस वाणी पे है चलता अनंत जीवन मुक्ति पाता, जो इस वाणी पे है चलता अनंत जीवन मुक्ति पाता, यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति, यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति। पहला पाठ उत्पत्ति ग्रंथ। मैं तेरे वंश में और इसरी के वंश में शत्रुता उत्पन्न करूंगा। जब आदम ने वृक्ष का फल खाया था तो प्रभु ने उससे पुकार कर कहा, तुम कहाँ हो? उसने उत्तर दिया, मैं बगीचे में तेरी आवाज सुनकर डर गया क्योंकि मैं नंगा हूँ और मैं छिप गया। प्रभु ने कहा, किसने तुम्हें बताया कि तुम नंगे हो? क्या तुमने उस वृक्ष का फल खाया जिसे खाने मैंने तुम्हें मना किया था? मनुष्य ने उत्तर दिया, मेरे साथ रहने के लिए जिस स्त्री को तूने दिया है उसी ने मुझे फल दिया और मैंने खा लिया। प्रभु ईश्वर ने स्त्री से कहा, तुमने क्या किया? और उसने उत्तर दिया, सांप ने मुझे बहका दिया और मैंने खा लिया। तब ईश्वर ने सांप से कहा, क्योंकि तूने यह किया है। तब सब घरेलू तथा जंगली जानवर में शापित होगा, तू पेट के बल चलेगा और जीवन भर मिट्टी खाएगा। मैं तेरे और स्त्री के बीच तेरे वंश और उसके वंश में शत्रुता उत्पन्न करूँगा। वह तेरा सिर कुचड़ देगी और तू उसकी एड़ी काटेगा। मनुष्य ने अपनी पत्नी का नाम हव्वा रखा क्योंकि वह सभी मानव प्राणियों की माता है। प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। दूसरा पाठ एफेसियों के नाम संत पौलुस का पत्र। ईश्वर ने संसार की सृष्टि से पहले मसीह में हमको चुन लिया। धन्य है हमारे प्रभु यीशु मसीह का ईश्वर और पिता, उसने मसीह द्वारा हम लोगों को स्वर्ग के हर प्रकार के आध्यात्मिक वरदान प्रदान किए हैं। उसने संसार की सृष्टि से पहले मसीह में हमको चुन लिया जिससे हम मसीह में संयुक्त होकर उसकी दृष्टि में पवित्र तथा निष्कलंक बन जाएं। उसने प्रेम से प्रेरित होकर पहले से निर्धारित किया कि हम यीशु मसीह द्वारा उसके दत्तक पुत्र बन जाएंगे। इस प्रकार उसने अपनी मंगलमय इच्छा के अनुसार अपने अनुग्रह की महिमा प्रकट की है। वह अनुग्रह हमें उसके प्रिय पुत्र द्वारा मिल गया है। ईश्वर सब बातों में अपने मन की योजना पूरी करता है। उसके अनुसार उसने निर्धारित किया कि हम यहूदी मसीह द्वारा बुलाए जाएं और हम लोगों के कारण उसकी महिमा की
स्तुति हो। हम लोगों ने तो सबसे पहले मसीह पर भरोसा रखा था। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। स्वर्ग दूत गैब्रियल ईश्वर की ओर से गलीलिया के नाजरत नामक नगर में एक कुंवारी के पास भेजा गया, जिसकी मंगनी दाऊद के घराने के यूसुफ नामक पुरुष से हुई थी और उस कुंवारी का नाम था मरियम। स्वर्गदूत ने उसके यहाँ अंदर आकर उससे कहा, प्रणाम प्रभु की कृपा पात्री, प्रभु आपके साथ हैं। वह इन शब्दों से घबरा गई और मन में सोचने लगी, इस प्रणाम का क्या अभिप्राय है। तब स्वर्गदूत ने उससे कहा, मरियम डरिए नहीं, आपको ईश्वर की कृपा प्राप्त है। देखिए आप गर्भवती होंगी, पुत्र प्रसव करेंगी और उनका नाम यीशु रखेंगी। वह महान होंगे और सर्वोच्च प्रभु के पुत्र कहलाएंगे। प्रभु ईश्वर उन्हें उनके पिता दाऊद का सिंहासन प्रदान करेगा। वह याकूब के घराने पर सदा सर्वदा राज्य करेंगे और उनके राज्य का कभी अंत नहीं होगा। पर मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, ये कैसे हो सकता है, मेरा तो पुरुष से संसर्ग नहीं है। स्वर्गदूत ने उत्तर दिया, पवित्र आत्मा आप पर उतरेगा और सर्वोच्च प्रभु की शक्ति की छाया आप पर पड़ेगी, इसलिए जो आपसे उत्पन्न होंगे वह पवित्र होंगे और ईश्वर के पुत्र कहलाएंगे। देखिए बुढ़ापे में आपकी कुटुंबनी एलिजाबेथ के भी बेटा होने वाला है। अब उसका जो बांझ कहलाती थी छठा महीना हो रहा है, क्योंकि ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। मरियम ने कहा, देखिए मैं प्रभु की दासी हूं, आपका कथन मुझ में पूरा हो जाए। और स्वर्गदूत उसके पास से चला गया। प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। हालेलुया हालेलुया। यीशु की स्तुति हो। यीशु की स्तुति हो। यीशु को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। यीशु की आराधना हो। यीशु की आराधना हो। यीशु की महिमा हो। यीशु की महिमा हो। यीशु को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। हे प्रभु यीशु। हे प्रभु यीशु। आपके वचन के द्वारा। आपके वचन के द्वारा। मुझे चंगाई प्रदान कीजिए। मुझे चंगाई प्रदान कीजिए। विश्वास में दृढ़ता प्रदान कीजिए। विश्वास में दृढ़ता प्रदान कीजिए। हालेलुया 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 हालेलुया। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आज माता कलीसिया माता मरियम के निष्कलंक गर्भागमन का पर्व मनाती है। आज के पहले पाठ में हमने सुना जो उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्या 9 से 15 और पद संख्या 20 में हमें पढ़कर सुनाया गया कि जब आदम ने वृक्ष का फल खाया था तो प्रभु ने उससे पुकार कर कहा, आदम तुम कहाँ हो। उसने उत्तर दिया कि मैं बगीचे में तेरी आवाज सुनकर डर गया, क्योंकि मैं नंगा हूं और मैं छिप गया।
प्रभु ने कहा, किसने तुम्हें बताया कि तुम नंगे हो? क्या तुमने वृक्ष का फल खाया जिसे खाना मैंने तुम्हें मना किया था? मनुष्य ने उत्तर दिया कि मेरे साथ रहने के लिए जिस स्त्री को तूने दिया है उसी ने मुझे फल दिया और मैंने खा लिया। प्यारे भाइयों और बहनों, आज के इस वचन के द्वारा ये बात स्पष्ट होती है कि आदम जो प्रभु के प्रतिरूप में बनाया गया था, प्रभु की महिमा में रहता था, उसकी महिमा के दर्शन करता था, उसके साथ रोज वो अदन बाग में टहलता था, आज्ञा उल्लंघन के द्वारा उसने, प्यारे भाइयों और बहनों, इस महिमा को खो दिया था। वो ईश्वर की महिमा से वंचित हो चुका था। परंतु जिस आदम को परमेश्वर ने इतना सुंदर बनाया था, अपने प्रतिरूप बनाया था, वो कैसे उसका सर्वनाश कर सकता था? इसलिए जिस दिन आदम ने आज्ञा उल्लंघन करके पाप किया, उसी दिन परमेश्वर ने योजना बनाई कि वह किस तरह से उसका उद्धार करेगा, किस तरह से उसे पाप से बचाएगा, किस तरह से उसे इस बुराई से बचाएगा। और इसी योजना के तहत उसने, प्यारे भाइयों और बहनों, अपनी विधि के विधान में निर्धारित किया, जैसा कि नबी यशायाह के द्वारा ये भविष्यवाणी की गई। हम वचन में पढ़ते हैं कि एक कुंवारी गर्भवती है, वह पुत्र प्रसव करेगी, उसका नाम इमैनुअल रखेगी, जिसका अर्थ है ईश्वर हमारे साथ है। इसलिए पहला आदम जो ईश्वर की आवाज सुन के डर गया था क्योंकि उसने पाप किया था, वहीं दूसरी ओर माता मरियम, जिसे परमेश्वर ने निष्कलंक रखा था, जो प्रभु की दृष्टि में धार्मिक मानी गई, उसके विश्वास के द्वारा, उसके आचरण के द्वारा, उस कुंवारी ने परमेश्वर को हां कहा। माता मरियम के हां कहने से ही यीशु का आगमन इस दुनिया में हो पाया। माता मरियम के हां कहने से ही इस दुनिया की मुक्ति और उसका उद्धार संभव हुआ। तो पहला आदम जिसने ईश्वर की आज्ञा को ना कहा, वहीं दूसरी ओर माता मरियम ने उसके आदेश को हां कहा, उसकी योजना को हां कहा। माता मरियम अपनी मां के गर्भ में निष्कलंक रखी गई, वो आदि पाप से मुक्त रखी गई। यदि मां मरियम निष्कलंक थी, तभी उससे पैदा होने वाला भी निष्कलंक रह सकता था। इसलिए प्यारे भाइयों और बहनों, कैथोलिक कलीसिया हमें सिखाती है कि माता मरियम आरंभ से ही आदि पाप से मुक्त थी। अपनी मां के गर्भ लेने से पूर्व ही प्रभु की योजना के तहत वो आदि पाप से मुक्त थी। तो माता मरियम का निष्कलंक होना इस बात को साबित करता है कि उससे पैदा होने वाला भी निष्कलंक था, आदि पाप से मुक्त था। प्यारे भाइयों और बहनों, संत थॉमस अक्वाइनस लगभग 1225 ईस्वी से 1274 ईस्वी तक और संत बोनावेंचर 1221 ईस्वी से 1274 ईस्वी तक, जिन्होंने दर्शन शास्त्र को समझा, लोगों को समझाया, विश्वास के विषय में उन्हें समझाया और बाइबल के वचनों की व्याख्या की, प्रभु के वचनों के रहस्यों को उन्होंने जानने की कोशिश की और कलीसिया को अपनी शिक्षाओं के द्वारा उन्होंने, प्यारे भाइयों और बहनों, ज्ञान से भर दिया। वे विश्वास करते थे कि माता मरियम आदि पाप से मुक्त थी, she was free from the original sin। इसलिए
1476 ईस्वी में संत पिता सिक्स्तुस चौथे ने इस पर्व को स्थापित किया और पूरी कलीसिया में इस पर्व को 8 दिसंबर को मनाने के लिए अपना प्रपत्र जारी किया। और तब से लेकर आज तक कलीसिया में माता मरियम के निष्कलंक गर्भागमन का पर्व मनाया जाता है। इतना ही नहीं, जब स्वर्गदूत गैब्रियल माता मरियम के पास भेजा गया, जैसा कि हम पढ़ते हैं लूकस के सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 28 में, तो स्वर्गदूत माता मरियम से कहता है, प्रणाम प्रभु की कृपा पात्री, प्रभु आपके साथ है। यहां तक कि परमेश्वर ने भी इस कुमारी को कृपा प्रदान की और उसने पवित्रता को बनाए रखा, प्रभु के प्रति ईमानदार रही, वो विश्वास में बढ़ती गई और प्रभु के वचनों को वो अपने जीवन में आत्मसात करती रही। जब स्वर्गदूत गैब्रियल उसको छोड़कर वहां से चला गया, तो विचार कीजिए कि माता मरियम कितनी दुविधा में रही होगी, कितने कष्ट में रही होगी, समाज उनको क्या कहेगा। लेकिन फिर भी उसने इन सब चीजों की परवाह नहीं की, वो ईश्वर की आज्ञा के प्रति ईमानदार रही। इसलिए प्रियजनों, माता मरियम जो दूसरी हवा है, दूसरी हेवा है, आज हमारे लिए एक रोल मॉडल है, सभी मसीहों के लिए एक आदर्श नारी है, आज्ञाकारिता का वो प्रतीक है, प्रभु पर निर्भर रहना वो हमें सिखाती है, विश्वासी बनना वो हमें सिखाती है, परमेश्वर की शिष्य बनना वो सिखाती है और मध्यस्थता करना वो सिखाती है। हालांकि परमेश्वर की कृपा और अनुग्रह उसके ऊपर बना हुआ था, लेकिन इसके बावजूद उसके दुखों की कोई सीमा नहीं थी, उसके दुख उसके साथ लगातार बने रहे, लेकिन परमेश्वर उसे उन दुख को सहने की सहायता करता था। माता मरियम, प्यारे भाइयों और बहनों, एक ऐसी शिष्य थी जो हम सब के लिए एक आदर्श है। शी वॉज एन अपोसल पार एक्सीलेंस, उसके जैसा कोई भी नहीं है। प्यारे भाई और बहनों, वो एक ऐसी क्रांतिकारी स्त्री थी जिन्होंने बड़े साहस के साथ परमेश्वर के आज्ञा का पालन किया और उन्हें हां कहा कि मैं तेरी दासी हूं, तेरा वचन मेरे जीवन में पूरा हो जाए। माता मरियम के विषय में मैक्सिमिलियन कोलबे लिखते हैं कि माता मरियम को प्यार करने से आप लोग मत डरना, यीशु से ज्यादा उसे कोई भी प्यार नहीं कर सकता है। जितना प्यार प्रभु यीशु ने उनसे किया, उतना प्यार उनसे कोई भी नहीं कर सकता है। फुल्टन जेशीन कहते हैं कि जितना कम यीशु के बारे में हम सोचते हैं, उतना ही कम हम मां मरियम के बारे में सोचते हैं। जितना ज्यादा हम प्रभु यीशु की दिव्यता को समझते हैं और उसकी आराधना करते हैं, उतना ही ज्यादा हम उसकी मां मरियम की आदर करते हैं। जितना कम हम उसकी दिव्यता को मानते हैं, उतना ही कम हम उसका आदर करते हैं। इसलिए प्रियजनों, जब हम माता मरियम के निष्कलंक गर्भागमन का पर्व मनाते हैं, तो माता मरियम से हमें कुछ सीखने की आवश्यकता है। और सर्वप्रथम माता मरियम हमें यह सिखाती है कि विश्वास में हम दृढ़ बने रहें, ईश्वर की आज्ञाओं का हम पालन करें, अपने जीवन में शिकायतें ना करें, परंतु ईश्वर की मर्जी हमारे जीवन में पूरी होने दें। आज का यह त्योहार हमें सिखाता है कि मां मरियम हमें आमंत्रित करती है कि जिस तरह उसने अपना जीवन निष्कलंक रखा, पिता को समर्पित रखा, वैसे ही मैं और आप भी
अपने जीवन को पवित्र रखने की कोशिश करें। माता मरियम जैसे प्यार से भरी हुई थी, वैसे ही हम भी अपने जीवन को प्यार से भरने की कोशिश करें। माता मरियम जैसे दृढ़ निश्चय थी, वैसे ही मैं और आप भी दृढ़ निश्चय होने का संकल्प लें। प्रभु की कृपा से वो निरंतर जीवन में बढ़ती रही, वैसे ही मैं और आप भी प्रभु की कृपा को हासिल करने के लिए तैयार रहें। जब मैं और आप ईश्वर की कृपा से भर जाते हैं, तो हमारे द्वारा लोगों को बहुत सारी आशीष मिलेगी। क्योंकि माता मरियम ने अपने आप को पवित्र रखा, वो निष्कलंक थी, परमेश्वर की कृपा उसके ऊपर थी, इसलिए वो जिस किसी से मिलती थी उन्हें भी वो आशीष मिलती थी। माता मरियम जब अपनी चचेरी बहन को मिलने के लिए जाती हैं, तो एलिजाबेथ कहती है, मुझे ये सौभाग्य कैसे प्राप्त हुआ कि मेरे प्रभु की माता मुझसे मिलने के लिए आई है। इतना ही नहीं, एलिजाबेथ जो बांझ कहलाती थी, जिसका अब छठा महीना चल रहा था, माता मरियम की उपस्थिति से बच्चा उसके गर्भ में उछल पड़ता है, आनंद मनाता है, क्योंकि माता मरियम के जीवन में वो कृपा थी। तो अगर मेरे और आपके जीवन में वो कृपा है, तो लोगों को हमारी उपस्थिति से आनंद होगा, लोग हमारी उपस्थिति से खुश हो जाएंगे। एलिजाबेथ उनका अभिवादन करती है और कहती है, आप नारियों में धन्य हैं और धन्य है आपके गर्भ का फल। जैसे ही आपका प्रणाम मेरे कानों में पड़ा, बच्चा आनंद से मेरे गर्भ में उछल पड़ा। हाउ डज इट हैपन टू मी व्हेन मदर ऑफ द लॉर्ड जीसस कम टू विजिट अस। प्रियजनों, हमारे जीवन में कैसे होगा यदि मां मरियम हमारे जीवन में हमें दर्शन देगी। आप में से बहुत सारे लोग गवाहियां देते हैं कि आपने माता मरियम के दर्शन किए, तो मैं समझता हूं कि जो कृपा माता मरियम के जीवन में है, वही कृपा जब वो हमें दर्शन देती है तो हमें भी प्राप्त होती है। हमें कुछ चीजों को करते रहने की जरूरत है, जैसे कि एलिजाबेथ ने मां मरियम का अभिवादन करने के लिए अपने आप को तैयार किया, वैसे ही हम भी तैयारी करें। जैसे मां मरियम ने प्रभु की इच्छा को पूरी करने के लिए दृढ़ निश्चय किया, वैसे ही हम भी ईश्वर की इच्छा को पूरी करने के लिए दृढ़ निश्चय हो जाएं। जैसे वो पवित्र आत्मा से भरी थी, वैसे ही हम भी अपने आप को पवित्र आत्मा से भरने के लिए तैयार हो जाएं। माता मरियम की दिव्य भेंट को पहचानने की हमें आवश्यकता है। इसलिए आज का ये सुंदर पर्व, प्यारे भाइयों और बहनों, हमें ईश्वर की कृपाओं को देने के लिए मनाया जाता है, कि मां मरियम जो स्वर्ग राज्य में अपने पुत्र के साथ विराजमान है, निरंतर हमारे लिए प्रार्थना करती हैं। आज हम भी प्रार्थना करें कि हे मां मरियम, हम सबके लिए तू प्रार्थना कर, जिससे कि हमारे जीवन में प्रभु की कृपा प्रचुर मात्रा में बनी रहे। मां मरियम, आप सब लोगों की सहायता करें, हमारी वो सहायता करे, मदद करे, और हम उसके जैसे बनकर इस जीवन में अपना जीवन व्यतीत कर सके। इस विशेष कृपा के लिए आज हम प्रार्थना करें और प्रभु की कृपा हमें प्राप्त हो जाए। हे सर्वशक्तिमान शाश्वत पिता ईश्वर, सर्वव्यापी ज्ञानी पिता, हृदयों की ताह लेने वाले अब्बा पिता, तूने अपने पुत्र के लिए एक सुयोग्य माता को चुना, उसे आदि पाप के कलंक से मुक्त रखा, और अपनी योजना के तहत तूने उसे अपनी कृपा प्रदान की। हे प्रभु यीशु, तूने निर्धारित किया कि मां मरियम के द्वारा आपका पुत्र जन्म लेगा और इस दुनिया का उद्धार करेगा। आज अपने पुत्र के द्वारा हम सभी लोगों को
आशीष और कृपा प्रदान कर। माता मरियम की मध्यस्थता से हम प्रार्थना करते हैं, हमारे जीवन में आज्ञा पालन का वरदान, विश्वास का वरदान, तेरे शिष्य बने रहने का वरदान हमें प्रदान कर, जिससे हम लोग सदा तेरी कृपा में जीवन जीते रहें। हे माँ मरिया, तो हमारी माँ है, मध्यस्थता कर, हम सबके लिए प्रार्थना कर, जिससे हम सभी लोग ईश्वर की कृपाओं को प्राप्त कर सकें। हमारी ये प्रार्थना सुन ले हमारे उद्धारकर्ता यीशु प्रभु के द्वारा। आमीन। यीशु की वाणी की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति, यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति, जो इस वाणी पे है चलता अनंत जीवन मुक्ति पाता, जो इस वाणी पे है चलता अनंत जीवन मुक्ति पाता। यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति, यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी।